जल्दी से दोस्तों टेक टीवी सूरज को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए ये लाल बटन और उसके बाद में आ जाएगा नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टीवी सूरज, मैं हूं सूरज चौधरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंसल्टेंसी के बारे में। कंसल्टेंसी होती क्या है, काम किस तरीके से करती है, आपके पैसे आप किस तरीके से लुटाते हो और किस तरीके से आप वापस घर बैठ जाते हो, नुकसान भी होता है, सैलरी भी आती है और कंसल्टेंसी वाला भी कमाता है और ऑफिस जहां पे तुम्हारी जॉब लगेगी वो भी कमाता है। तो इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देख लेना। ऐसी वीडियो दोस्तों देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के नीचे एक रेड बटन है उसको दबा दो, वो है सब्सक्राइब बटन। वो दबाने के बाद में जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगी। और अगर आप हर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो उसी के पास में एक बेल का बटन होगा, जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाओगे वहां पे बेल का बटन आ जाएगा और वो आने के बाद में आप उसको क्लिक कर दीजिए, फिर मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंसल्टेंसी होती क्या है। दोस्तों कंसल्टेंसी होती क्या है कि ये बीच का काम करती है, मतलब कि आपको जॉब चाहिए तो कंसल्टेंसी के पास जाइए, वो आपको जॉब दिलाएगी। अगर किसी ऑफिस में रिक्वायरमेंट है तो वो कंसल्टेंसी से बात करते हैं कि भाई हमें बंदे चाहिए काम करने के लिए, हमारे पास में कमी है, तो कंसल्टेंसी उनको वो बंदे प्रोवाइड करती है। तो बीच का काम करती है। तो ये लगा लीजिए जैसे रिश्ता करते हैं ना लड़का लड़की का, तो कोई ना कोई एक बीच में ऐसा बंदा होता है जो दोनों तरफा बात करता है, जो दोनों तरफ से बात करता है, जो रिश्ता करवाने वाला होता है ना, उस तरीके से कंसल्टेंसी जॉब का और बिजनेस वालों का, कंपनी का, ये एक रिश्ता करवाती है कि हाँ भाई आपको जॉब मिल जाएगी, उनको बंदे मिल जाएंगे। इस तरीके से कंसल्टेंसी होती है, इस तरीके से काम करती है। तो अभी मैं बताता हूँ कि कंसल्टेंसी किस तरीके से, बहुत सारी कंसल्टेंसीज काम कर रही हैं और किस तरीके से आप लोगों के पैसे आपकी जेब से निकाल के कुछ कम करके आपकी जेब में डाल देते हैं। आप भी ये सोचते हो कि यार पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट देखना, मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन दोस्तों उसी तरीके से तो समझ पाओगे ना, एग्जाम्पल जरूरी होते हैं तो उसी तरीके से आप समझते हो, क्योंकि मैं सीधे बात बता दूंगा समझ नहीं आएगी। चलिए काम कैसे करती है अब समझना इस चीज़ को। तुम्हारे पैसे तुम्हारी जेब से निकल के तुम्हारी जेब में आते हैं लेकिन कम होके, किस तरीके से आप मेरे पास आए, मैं कंसल्टेंसी वाला हूँ। जो ये वीडियो देख रहा है वो ये समझिए कि भाई आप लोग हैं ना जॉब ढूंढ रहे हो और आप मेरे पास आए हो, कंसल्टेंसी वाले के पास आए, आप मेरे पास आए बोले कि सूरज सर हमें तो जॉब चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपने बोला कि देखो सर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि देखो 15,000 से 20,000 रुपये लगेंगे, स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होगी, 12 के आसपास में मैं आपको दिलवा सकता हूँ, लेकिन 1-2 महीने काम करोगे तो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। हर कोई ऐसे ही बोलता है ना कि धीरे धीरे सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सब कुछ कैलकुलेट करोगे कि भाई मैंने इसको 20,000 रुपये दे दिए, 12,000 मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, दूसरे महीने में 4,000 तो मेरे बच्चे जाएंगे ना, 2 महीने ही तो जॉब करनी है, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ, आपको पता है कि आपका लेवल क्या है, अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो सही है, अगर आपका लेवल इतना ठीक नहीं है ना तो भी वो जॉब दिलाएगा। अब मैं क्या करूँगा, आपने मुझसे बात की, आपने कहा कि चलो सर हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे, 20,000 में समझना आसान हो जाएगा, बीच में 17-18 करेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। मान लीजिए आपने मुझे 20,000 रुपये दे दिए और आपने बोला कि सर मेरे लिए जॉब ढूंढ दो, वो ज़रूरी है मुझे। मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आप घर जाइए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आप भी खुश मैं भी खुश। आप 20,000 दे के गए, मैं कंपनीज में पहुंचा, जो मेरी कंपनी के साथ में मेरे अच्छे लिंक है मैं उनके पास पहुंचा कि भाई एक लड़का है जिसने 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है, वो लड़का आपके पास में मैं भेज रहा हूँ काम करने के लिए, आप जो भी उसके हिसाब से काम हो आप उसको वो काम दिला देना। उसके बाद में क्या होगा, वो बोलेगा कि भाई सैलरी वगैरह, मैं उसको बोलूँगा कि भाई सैलरी तो देख ले 12,000 की मैंने बोली है, तो वो कहेगा कि आप बताइए, इनका टाइप होता है कि आप 60% 40% 70-30 50-50 ऐसे ये टाइप कर लेते हैं कि मान लीजिए 12,000 में मैं आपको बंदा दे रहा हूँ काम करने के लिए, आप उसके साथ में मैं आपको कुछ पैसे दूंगा उसको देने के लिए। मैंने जब उससे बात की सामने वाले से तो सामने वाले ने कहा कि भाई सूरज बता, मैंने बता दिया 12,000 देने उसको, तू बता अब कंसल्टेंसी की तरफ से कितने मिलेंगे। तो मैंने कहा कि चल यार
तो अच्छे टाइप है, मैं तुझे 8,000 दे देता हूँ, तू 4,000 रुपये में, 4,000 तू दे दियो, तेरा 1 महीने का काम निकल जाएगा। तो वो भी खुश, क्योंकि उसको तो बंदा चाहिए था 10,000 से नीचे जॉब नहीं हो सकती। लेकिन उसने क्या किया, उसका 1 महीना जो कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी के ओनर का 1 महीना 4,000 रुपये में निकला, 6,000 बचे, क्योंकि वो 10-12 हज़ार रुपये में कोई ना कोई बंदा रखता, उसकी जगह आपको रख लिया, तो उसके कितने बचे, 6-7 हज़ार रुपये उसको बच गए। अब मैंने तुमसे कितने लिए थे, 20,000, 20,000 में से 8 मैं उसको दे आया, मुझे कितने बचे, 12,000। अब क्या करेंगे, तुमको अगले दिन आके, तुम आके मुझसे मिलोगे कि सर मेरी जॉब का क्या रहा, मैं बता दूंगा, वाह आपको जॉब मिल चुकी है, वहां पे जाइए, वहां पे ऐसे ऐसे मिलेंगे, आप जाके बात कर लीजिए और आप वहां पे अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। तुम घर जाके बोल दोगे मम्मी जॉब मिल गई, पापा जॉब मिल गई, और तुम अगले दिन रेडी होके निकल जाओगे। वहां ऑफिस में जाओगे, ऑफिस वाला यार जो ओनर इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, वो सब चीजों में से निकला हुआ होता है, उसको पता होता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। वो क्या करेगा, तुम्हारे आने के बाद में तुमसे बात करेगा, देख लेगा कि हाँ ये बंदे में कुछ दम है या नहीं है, जो भी काम होगा मार्केटिंग का या ऑफिस का वो तुझे बताए, तुम लोगों को बताएगा, और तुम लोग काम करना स्टार्ट कर दोगे। वो किस तरीके से, 1 महीना हुआ, 1 महीना होने के बाद में वो तुम्हें सैलरी देगा, अगर तुम्हें लगता है कि उसको कि ये बंदा मेरे लिए काम का है तो वो तुमको रखेगा, और अगर लगेगा कि नहीं ये बंदा मेरे काम का नहीं है, तो वो क्या करने लगेगा, जैसे ही महीना पूरा होगा ना, 25 दिन के बाद में, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुमको इतना इरिटेट कर देगा, हो सकता है 1 महीने बाद तुम ही वो जॉब छोड़ दो, या फिर वो 1 महीने बाद तुमको निकाल देगा। 1 महीने बाद तुमको निकाल दिया, तुम घर आ गए, तुमने कंसल्टेंसी वाले से बात की, तुम लोगों ने मुझसे बात की, मुझे फोन करके बोलते हो कि सर क्या हुआ, उसने तो मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं कहूंगा कि मैं उससे बात करता हूँ यार, ऐसे कैसे, क्या हुआ, कोई ना कोई बात हुई होगी। अब मैं तुमको कहूंगा कि यार तुमको काम नहीं आता, उसने इतना सिखाया, वो बोल रहा है कि मैंने तो बहुत सिखाया तुम लोगों को, काम नहीं आता, यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो आपकी जॉब लगवाई थी। अब ये हमारे हाथ में नहीं है, एक बार मैं जॉब लगवाने की जिम्मेवारी हमारी है, उसके बाद में अगर सामने वाला हटाता है तो वो जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तुम लोग आखिर में थोड़ी बहुत बहस करके नॉर्मली दोबारा से अपने घर बैठ जाओगे। अब इस चीज को समझना, घर से चले, 20,000 दिए, मैंने उसको 8,000 दिया, मतलब 20 में से 8 हटा दो, 12,000 मुझे बच गए। उसको 12,000 में बंदा चाहिए था, उसको मैंने 8,000 दे दिए, तो 8,000 उसके बच गए, 4,000 ही तो घर से लगे, जहां पे वो खुद टोटल 12 देता, वहां पे वो 4,000 में अपना महीना निकलवा रहा है। दो चीज, मतलब मेरे बचे 12, उसके बचे 4, मतलब 8,000 उसके बच गए क्योंकि उसको चाहिए था। तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे 20,000 घूम फिर के 12,000 तुम्हारे पास आ गए, 8,000 तुम नुकसान में गए और तुम वापस अपने घर पे बैठ गए। कंसल्टेंसी ये काम करती है। अगला बंदा आएगा, मेरे पास आया, 20,000 लिए, मैंने उसको 8,000 दिए, वो फिर से 12,000 देगा और उसका 4,000 में महीना निकलता रहेगा, मेरा पर मंथ 8,000 तुम लोगों से बचता रहेगा, तो भाई मैं भी खुश, सामने वाला भी खुश, और तुम लोग तो 1 महीना जॉब करके घर पे बैठ के वैसे ही, क्या कहोगे। और ये है ना, एक मेंटेलिटी होती है, कहेंगे यार 20,000 दिए थे, 12,000 तो आ गए, चलो कोई बात नहीं, 8,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, देखेंगे भाई। ये चीज़ चलती है, तुम लोगों के पैसे तुम लोगों की जेब से निकाल के तुम लोगों की जेब में कम करके डाल देते हैं और तुम लोग खुश हो जाते हो, सैलरी आ गई, उसके बाद में जॉब से निकाल दिए जाते हो। हर किसी के साथ में होता है, बहुत सारे लोग दिल्ली में, पुणे, मुंबई, बहुत बड़े बड़े शहरों में जहां पे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, उनके साथ में यही सब हो रहा है। और जो ये वीडियो देख रहा होगा, किसी ना किसी के साथ में अगर ऐसा हुआ होगा तो वो जरूर देख लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, हर कंसल्टेंसी के बारे में मैंने बात नहीं की है, लेकिन जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए खुली हुई है मैंने उनके बारे में बात की है। तो दोस्तों 1 महीना मेहनत करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मिलें कम हो के, घर से 20,000 दे के फिर तुम 12,000 की सैलरी उठाओ, तो ऐसा मत करो। जाना है किसी अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाओ, जो लगता है कि लोगों को फेथ है जिस पे कि हाँ भाई ये अच्छे से काम कर रही है, उसके पास जाओ और वैसा ही काम करो। हर किसी कंसल्टेंसी का काम अलग होता है, कोई कमीशन बेस होती है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, तो इन चीज़ों का तुम लोग ध्यान रखना आगे से। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो का एंड अप करते हैं।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रेड बटन है यार, उसको 1 सेकंड लगता है, बस दबा दो। ब्लैक एंड व्हाइट ही तो करना है, सिंपल सा काम है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से दोस्तों टेक टीवी सूरज को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए ये लाल बटन और उसके बाद में आ जाएगा नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।